दोस्तों भूल भुलैया 3 का 13वां दिन है, डे 13। और 13th डे तक भूल भुलैया 3 किस तरह की कमाई करेगी ये बताने वाला हूँ। और आज जो डे 13 का भूल भुलैया 3 का प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, एक चीज़ तो साफ नज़र आई कि पहले वीक में जहाँ पर सिंघम अगेन बढ़िया चल रही थी, लेकिन पहले वीक ख़त्म होते होते भूल भुलैया 3 ने अपनी पकड़ बनाए रखी। और सेकेंड वीक में भूल भुलैया 3 जो चल रही है वो सिंघम अगेन से बेहतरी चल रही है। बजट की बात भी कर ले तो जैसे कि उसका 150 करोड़ का भी बजट अगर होगा भूल भुलैया 3 का, तो वो ऑलरेडी एक हिट नहीं सुपर हिट टैग उसको आराम से मिलने वाला है। और बात करते हैं सिंघम अगेन की, तो सिंघम अगेन को बजट निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है। एनीवेज सेम भूल भुलैया 3 की बात करता हूँ मैं। 10 दिन के ऑफिशियल आंकड़े आप सभी के पास है, 216 करोड़ 76 लाख, यानी कि 216.76 करोड़। और इस वीडियो में जैसे मैंने कल कलेक्शंस या परसों कलेक्शंस प्रॉपर नहीं बताए थे, वो चीज़ों के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा और साथ ही साथ डे 13 का प्रेडिक्शन दूंगा। तो 11th डे में 6 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ज़रूर आया है इसका। इसके अलावा डे 12 यानी कि जो इसका मंगलवार का दिन था, 4.50 करोड़ का आंकड़ा आया है। और आज 3 से 4 करोड़ का प्रेडिक्शन मैं इस फिल्म का दे रहा हूँ, क्योंकि इतना ही फिल्म कलेक्शंस करेगी और ऐसे में फिल्म का टोटल हो जाएगा आज के बाद यानी कि डे 13 के बाद 230.26 करोड़ से 231.26 करोड़, 230 करोड़ 26 लाख से 231 करोड़ 26 लाख तक। और जिस तरह से फिल्म सेल हो रही है, जिस तरह फिल्म चल रही है, ये फिल्म 260 से 270 करोड़ तक का लाइफ टाइम ज़रूर ले लेगी आराम से। और ये कार्तिक आर्यन की फिल्म के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों। चलिए बाय बाय।